प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन शोन इन फिगर 9.29 बाय 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 9.29 ए एंड 9.29 बी। इसमें सभी साइडें बराबर है, ए लिखी हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ ए, सभी साइडें बराबर है हेक्सागन की। इसका मतलब ये रेगुलर हेक्सागन है। तो जे इसने लंबाई दी हुई है टोटल जहां से लेकर जहां तक 10 सेंटीमीटर है, और जहां से लेकर जहां तक जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। लो इनका भी उपयोग करेंगे हम कैसे। इसने दो मेथड बताए हैं, एक तो इस मेथड से करना, इसे बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब इसमें दो ट्रेपेजियम जो कॉन्ग्रुएंट बने, एक का एरिया निकाल के उसे डबल कर देंगे। लो पहला केस देखे, फिगर 9.29 ए, इसका नाम मैंने बी नाम सारा रख दिया, ए एफ ई डी सी बी ऐसे हेक्सागन का। जो बी बीच में रेखा हमने ड्रा की है ना, जो बीच में दी हुई है रेखा दी भी हुई है, वो इस हेक्सागन को दो बराबर भागों में बांटती है और एक भाग ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम कैसे, जो बी है सी डी के पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम बन जाता है, वो क्वाडिलेटरल ट्रेपेजियम बन जाती है। बी ई डिवाइड्स हेक्सागन ए बी सी डी एफ इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम्स। लो एक एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ किसके बराबर होना, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक ले लेते हैं बी सी डी ई। लो एरिया इसका निकाल लेते हैं, इसका फार्मूला में पता ही, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी ई प्लस सी डी इंटू हाइट जे सी एल, जे मैंने आप ड्रा की है सी एल, ऐसे ड्रा कर लेनी है आपने। अब तो डिमेंशन ही पुट करनी है, सी एल कितना है, सी एल है हाफ ए सी, सी एल जहां से लेकर जहां तक कितना ए सी होगा ना, टोटल ए सी की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी, उसका हाफ कर दो, 1/2 इंटू 10 इसे काट लो, 5 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये ट्रेपेजियम की हाइट 5 सेंटीमीटर आ गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1/2 बी 14 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, इंटू 5 हो गया, ये ब्रैकेट में है। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 से तो 2 कट गया, 14 प्लस 6 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई की तो ये बन गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो एरिया एक मेथड से तो निकल गया। लो अब फिगर है 9.29 बी, जे वाली फिगर है, इससे हमने एरिया निकालना, इसको इस प्रकार डिवाइड किया, ए को सी से डिवाइड करके, एफ को डी से डिवाइड करके, इसमें एक जे ट्रायंगल बन गई, एक जे बीच में रेक्टेंगल बन गई, एक नीचे ट्रायंगल बन गई, तीनों को ऐड कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। लो आप इसमें देख लेते हैं, जे लंबाई हमें हाइट चाहिए होती है, जे बी एल और एम ई सेम है क्योंकि जे डिमेंशन एक जैसी है, जे रेगुलर है ना, जे बी सिक्स तो जहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। चलो उसकी तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे जहां से जो परपेंडिकुलर डाला अगर सीधा इसको मिला देते जो 14 सेंटीमीटर है बी ई, हमें निकालना है बी एल, बी एल और एम ई एक जैसे हैं तो टोटल लंबाई हमें पता है, जे भी पता है 6 सेंटीमीटर। तो मैं कैसे लिखूंगा देखो, जहां पहले निकाल बी एल प्लस एम ई प्लस सी डी, जरा ध्यान से देखो, बी एल प्लस एम ई प्लस सी डी, तीनों को करेंगे तो हाइट जे 14 बन जानी है टोटल। कहने का मतलब ये ऐसे है ना, ये ऐसे जे बीच में है और ऐसे है, ये दोनों तो बराबर है, एम ई अगर इसे मैं डी लिख दूं, ये इधर है ना डी, चलो लिखता नहीं है, फिर जे बी है जे एल है तो जे है 6 सेंटीमीटर, जे दोनों बराबर हैं तो टोटल लंबाई मेरे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर जे दी हुई है हमें, तो जे कितनी बन जाएगी देखो, 14 में 6 कटाई 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जे एक जैसा है ना बी एल और एम ई, तो कितनी बच जाएगी 4 सेंटीमीटर। लो अब करके देख लेते हैं, बी एल प्लस एम ई प्लस सी डी, बी एल प्लस एम ई प्लस सी डी इज इक्वल टू कितनी बन गई बी ई के बराबर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, बट बी एल इज इक्वल टू एम ई, वो मैंने आपको बताया, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसी हैं तो इनकी हाइट भी एक जैसी, क्यों, जहां भी ये रेगुलर हेक्सागन बन रही है ना, जे भी 6 सेंटीमीटर जे भी 6 सेंटीमीटर जे भी 6 जे भी 6, तभी ये दोनों बराबर है, वो जहां हम प्रूव नहीं कर रहे।
देयरफॉर एम ई बी एल को बी एल एम ई के बराबर हो गया। देयरफॉर बी एल को हम क्या लिख सकते हैं, एम ई लिख सकते हैं। एम ई प्लस एम ई प्लस सिक्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एम ई प्लस एम ई सी डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो 2 ME बन गया, 6 दूसरी तरफ खड़े हो गए थे 8 सेंटीमीटर, 14 में 6 घटाए तो ME आ गया 2 नीचे 8/2 4 सेंटीमीटर। तो BL इज इक्वल टू ME कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना हमने, ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFDC लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी या नीचे वाला, तो तीनों को ऐड करते हैं फिर एरिया निकाल के। 1/2 ए सी इंटू बी एल, ये बन गया ए सी इंटू बी एल, हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है ना, प्लस एक वन आगे रेक्टेंगल आ गई, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड होता है, क्या बनेगा एफ डी इंटू सी डी, एफ डी इंटू सी डी, तो एफ डी इंटू सी डी प्लस 1/2 एरिया ट्रायंगल ई एफ डी का नीचे वाली का, हाफ एफ डी इंटू एम ई, ये बन जाएगा हाफ एफ डी इंटू एम ई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 ए सी जहां दिया हुआ 10, तो इसकी हाइट भी साथ में लिख लेते हैं, बी एल वो कितनी है 4, बी एल जहां निकाली 4, 10 × 4 प्लस एफ डी, एफ डी भी है 10 तो सी डी भी 6, 10 × 6 बन गया, एफ डी इंटू सी डी 10 × 6 प्लस 1/2 एफ डी, एफ डी कितनी है 10 ही, जितनी ए सी उतनी एफ डी है 10, रेक्टेंगल जो है। एम ई, एम ई कितना है 4 × 4, तो आप करते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 10 × 2 = 20 प्लस 10 × 6 = 60 प्लस 10 × 2 = 20, अब करो इनको ऐड, 60 भी 80 भी 100, तो 100 सेंटीमीटर स्केयर एरिया आ गया। देखो जहां भी 100 सेंटीमीटर स्केयर आया था, दोनों फिगरों का एरिया एक जैसा ही आया डिफरेंट मेथड से।